पंडित सुरेश भाई तांत्रिक सूरत गुजरात से, और हमारे साथ में है सूरत में आज पंडित नितेश भाई तांत्रिक। हम आज ऐसा तांत्रिक वशीकरण बताने जा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया के द्वारा किस प्रकार से, सिर्फ यदि आपके पास में सामने वाले का फोटो नहीं है तो हम सिर्फ नाम से वशीकरण कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत से कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारे पास फोटो नहीं है लेकिन लड़की का ध्यान, लड़की को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन सिर्फ नाम से वशीकरण कैसे हो सकता है? तो नाम से वशीकरण करने के लिए दोस्तों हमको चाहिएगा कि नाम से वशीकरण करने के लिए, देखो दोस्तों, एक कोई भी सामान्य से पुतला बना लीजिए। अमावस्या के दिन रात को 12 से 3 बजे के बीच ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ये है शमशान और डुमस का सबसे हॉन्टेड एरिया। लोग बोलते हैं कि सुमस, ये आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे कि जो सूरत का जो सबसे हॉन्टेड एरिया है वो है, आज हम जहाँ प्रयोग करने के लिए आए हैं वो है हॉन्टेड एरिया, जिसको बोलते हैं डुमस बीच। इस बीच के ऊपर अनेक आत्माओं का वास है और वो पवित्र आत्माएं हमारा सपोर्ट करती हैं। इस हम उन आत्माओं को भी हम वश में कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास में नेचुरल पावर है, ऐसी शक्ति है हमारे पास में कि हम उन आत्माओं को वश में करके अपना काम करा सकते हैं। ऐसे ईश्वर ने, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी शक्ति दी है, तो उन आत्माओं की शक्ति से हम किस प्रकार से, आप एक सिर्फ नाम मात्र से, और शमशान की दो हड्डियां चाहिए, शमशान की दो हड्डियां, हाथ की हो कोने की हो कोई भी साफ सुथरी दो हड्डियां चाहिए, जिस पे हमने दो, दो दो नाम लिखे हैं, ये देखिए राजेश और रूपम, दो है। और एक राजेश नाम का व्यक्ति किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं रूपम नाम की, तो वो दो हड्डियां को हम प्लस में जोड़ेंगे इस प्रकार से, और इन शमशान की हड्डियों से आप किसी सुनसान हॉन्टेड एरिया या किसी भी, आप ये सूरत का बीच है, हम एक आपको डेमो दिखा रहे हैं, आप अपने स्थान पे कहीं भी स्थान में एकांत में जाकर आप ये वशीकरण कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दो हड्डियों को, आप शमशान की दो हड्डियां लेके आ जाइए अमावस्या के दिन, दिन में लेके आना है लेकिन रात को जैसे सूर्यास्त हो जाएगा रात को 9 से 12 बजे के बीच में आप इस ये प्रयोग को आप कर सकते हैं। दो हड्डियों को आप आपस में जोड़ दीजिए प्लस में इस प्रकार से, दो हड्डियां प्लस, प्लस का निशान होता है दो जनों को जोड़ने का, और इसी के ऊपर पूरा धर्म है, क्रॉस पूरा एक धर्म बना हुआ है, वो है ईसाई धर्म, ये क्रॉस को मानता है, और उस क्रॉस में इतनी शक्ति होती है कि दो जनों को जोड़ सकती है। तो ईसा मसीह है भगवान का नाम लेके, और दो हड्डियों को जोड़ना है इस प्रकार से लाल धागे से, ये क्रॉस का निशान हो गया दोस्तों, और ये पुतला हो गया सामान्य सा, और उसका फोटो की भी जरूरत नहीं है, और उसको आप इस प्रकार से, इस पुतले को ऐसा बना लीजिए, और उस पुतले को आप किस प्रकार से क्रॉस के ऊपर बांध दीजिए। ये हो गया आपका डबल क्रॉस, पुतला भी क्रॉस में और हड्डियां भी दो क्रॉस में, चार लींबू के ऊपर रूपम का नाम, और आपको ध्यान में है कि मैं राजेश हूँ और रूपम को वश में करना चाहता हूँ इस प्रकार, राजेश रूपम, और चार लींबू, उड़द बिछा दिया जमीन के ऊपर, उड़द मैन तंत्र में काम में आने वाला सबसे पावरफुल आइटम वो है उड़द, फिर रूपम और राजेश, इसको भी आप क्रॉस के ऊपर लगा देंगे, और फिर दोस्तों पुतले के ऊपर आप कोई भी लाल धागा बांध सकते हैं, काला धागा बांध सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो उस धागे से आपको बांध दीजिए, कोई भी लाल धागा इसमें हम लेके आए हैं, देख लीजिए इसको बांध दीजिए, दो शमशान की हड्डियाँ, लाल और लींबू, रूपम और राजेश का नाम है, और इस प्रकार से हमने इस प्रकार से बांध दिया, सिर्फ नाम से वशीकरण, फोटो की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो आपके जहन में है, आपकी आत्मा में है, जिसको आप वश में करना चाहते हैं वो आपकी रोम रोम में बसा है, उसका फोटो की क्या जरूरत है? जिसको आप चाहते हैं क्या वो आपको उस फोटो को आप जानते नहीं है क्या? आप उसका चेहरा आप जानते नहीं है तो फोटो की क्या जरूरत है? सिर्फ आपके जहन में, आपकी आत्मा में उसका फोटो होना चाहिए, और फिर उस फोटो के ऊपर, उस दिमाग के ऊपर, मतलब आपके दिमाग में है वो फोटो, फोटो आपके छपा हुआ है, बस आपने क्रॉस में हड्डियां बांध दी है, नाम लिख दिया है, और एक पुतला को आपने उड़द के बीचों बीच रख दिया है, चार लींबू है, अगरबत्ती लग दी, अच्छा सा सुगंधित धूप लगा दिया। अमावस्या के दिन एक दिन पहले आपको
ये हड्डियां लेके आनी है शमशान से, दो हड्डियां जिसपे आप अच्छे से नाम लिख सके, पढ़ सके, वैसी हड्डियां होनी चाहिए। और उस हड्डियों को आप अमावस्या एक दिन पहले ला के घर पे नहीं लाना है, क्योंकि हड्डियां लाना शमशान की अशुभ माना जाता है। घर पे, घर के बाहर ही रख दीजिए। जब आप प्रयोग करेंगे दूसरे दिन अमावस्या के दिन रात्रि को, कोई भी 7:30 से लगाकर 9 बजे तक रात्रि को कोई भी हॉन्टेड एरिया सुनसान जगह पे चले जाइए, रात को 12 से 3 बजे का समय हो या पूरी रात हो आपके पास में, और उसको हड्डियों को आप अच्छे से गंगा जल से धो दीजिए। पहले कच्चे दूध से धो दीजिए, फिर गंगा जल से धो दीजिए, और उनके ऊपर नाम अच्छे से लिख लीजिए, और फिर आपको रात को ये क्रिया कभी भी कर सकते हैं अमावस्या के दिन रात्रि के दिन अच्छे से सुनसान स्थान पे। ये नींबू, 4 नींबू, हड्डियाँ सब आपको मैंने कितनी अच्छी तरह से, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण करना है। अरे आप खुद करो, खुद करने की प्रैक्टिस करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। फिर आपको एक सिंदूर, भगवान हनुमान जी का सिंदूर और लाल कलर का सिंदूर, सिंदूर दो प्रकार के, हम इसको कुमकुम बोलते हैं, आप इसको सिंदूर बोलते हैं। ये सिंदूर है हनुमान जी का, ये है लाल सिंदूर कुमकुम। फिर आप एक मंत्र बोलेंगे और आराम से ले लीजिए, और ये मंत्र थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर डालिए चारों तरफ। ओम अघोरे भ्यो, अघोरे भ्यो नमः, ओम 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 अघोरे भ्यो नमः। पुतले के ऊपर भी डालिए चारों तरफ। ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः। इस प्रकार से आप राउंड में चारों तरफ पुतले के ऊपर एक प्रकार से ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघो 108 बार हल्दी और सिंदूर से, क्योंकि अघोर देवता शंकर भगवान है तो भोलेनाथ का मन में ध्यान करेंगे। और अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः, ओम अघोरे भ्यो नमः, 108 बार मंत्र बोलते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब आपको किसका वश में करना है उसका ध्यान करेंगे, और फिर उसका मंत्र इस प्रकार से वशीकरण में बोलेंगे, और एक माला हो या कोई काउंटिंग के लिए 108 मंत्र आप बोल सके उसके लिए आप 108 कंकर ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, और मंत्र बोलेंगे। अच्छे से ध्यान रखिए, ओम ओम शिव, अच्छे से ध्यान रखिए, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, गोरखनाथाय नमः। अघोर तंत्र के स्वामी है गुरु गोरखनाथ, तो ओम और भगवान शंकर नाथ, अघोर ओम अघोर ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। जिसको भी वश में करना चाहता है उसका नाम, फोटो की जरूरत नहीं है, दिमाग में भ्रकुटी में ध्यान रखिए, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। अमुक की जगह लड़की का नाम, जैसे हम करने जा रहे हैं रूपम को वश में, आप हैं जो है, आपका नाम क्या है, राजेश, ठीक है। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, रूपम मम वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। फिर बेवकूफों की तरह फोन मत करना कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, रूपम मम वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। आप अगर लड़की हैं तो आप, अगर रूपम है तो राजेश का नाम। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, राजेश मम वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने 108 मंत्र पढ़ लिए। पढ़ने के बाद पहले आपने ओम अघोरे भ्यो नमः मंत्र बोल के आपने कुंकू अभिषेक कर दिया। अब आप खड्डा खोदेंगे, जहाँ पर भी आप क्रिया कर रहे हैं, 2-2.5 फुट खड्डा हो, कितना भी हो, मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए छोटा सा खड्डा खोद रहा हूँ, और आपको जितना डीप हो सके उतना खोदना है। और इस खड्डे में आपको अच्छे से उस पुतले को, हड्डी को उसमें डालना है, ओम अघोरे भ्यो नमः मंत्र बोलना है, ओम शिव, दो मंत्रों का जरूरत पड़ेगा, डाल दिया इसमें जितना डीप हो सके। 4 नींबू को भी चारों तरफ रख देंगे और
और आपने दफन कर दिया वापस, अच्छे से दफन कर दिया उसको जितना डीप में हो सके। उड़द जो भी है आपने काम में लिए थे वहीं पे दफना देंगे आराम से, उसके ऊपर उड़द डाल देंगे, जो अगरबत्ती आपने जलाई थी 21 अगरबत्ती उसके ऊपर डाल देंगे, और भगवान शंकर भगवान और अघोर जो तंत्र के स्वामी हैं उनका नाम लेंगे शंकर भगवान का, कि जो मैंने यह तंत्र क्रिया की है अमावस्या के दिन उसको सफल बनाए, ये जो सुनसान आत्माएं भटक रही हैं वो आत्माएं हमारे इस वशीकरण के कार्य को सिद्ध करें, सफल करें, ऐसी प्रार्थना करके आपको बिना मुड़े देख के वापस अपने घर पे चले जाना है। विद इन 24 घंटों के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मेरा चैलेंज है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, आपका जीवन सफल होगा, कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं, और आपका ये कार्य सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।